वे बस बांसुरी के, जिसका अर्थ है कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं, जिसके कवि हैं रसखान जी। जन्म 1548, निधन 1628। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। उनकी भक्ति में किसका अनोखा संगम है? तो प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व से सवैये अपने आप में अद्वितीय हैं। रसखान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनके लिखी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। उनकी लिखी कौन सी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? तो पहली सुजान रसखान एवं दूसरी प्रेम वाटिका। यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्व में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं। सौतिया डाहा यानी सौतन डाहा से पीड़ित गोपी अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सौतिया डाह के कारण अपनी बांसुरी को, जो कृष्ण के होठों पर थी, को अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों के मन स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। कविता एक, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अर्थात यहाँ पर कहते हैं रसखान जी कि कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं, ऐसा गोपी बोल रही हैं। और अब वह अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, हमको अब कौन चाहेगा। निसघोष, निसघोष का अर्थ है दिन रात, रहे संग साथ लगी, वह दिन रात कृष्ण के संग साथ में लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह सौतन रूपी दुख हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मन को मनमोहन अर्थात कृष्ण का मन मोह लिया है। रसखान सदा हमको देही है, रसखान जी कहते हैं कि सदा हमको ये जलाती रहेगी। मिली आओ सब सखी, हे सखी आओ सब मिलकर भाग चलें, हम लोग सब मिलकर भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो इस ब्रज में अकेली बांसुरी ही रहेगी। दूसरा कवित्व, मोर पखा सिर ऊपर रखियो। अब यहाँ पर कृष्ण ने कैसे तैयार हुए हैं उसके बारे में बताया गया है कि उनके कृष्ण के सिर पर मोर पंख रखा हुआ है, अर्थात लगा हुआ है। कुंज की माला गले पहरोगी, वह भी कृष्ण की तरह कुंज की माला अपने गले में पहनेंगी। गोपियां स्वांग रचा रही हैं कृष्ण की तरह, तो सिर कृष्ण की तरह ही मोर पंख अपने सिर पर लगाएंगी, कुंज की माला अपने गले में पहनेंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, पीला पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र वो पहन लेंगी, धारण कर लेंगी। और ले लकुटी यानी लकड़ी को साथ में ले लेंगी।
वन गोधन ग्वारन संग फिरेंगी और जंगल में गोधन अर्थात गाय रूपी धन को लेकर ग्वाल की तरह साथ में घूमेंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, मुझे तो रसखान जी कहते हैं, मुझे तो वही भाता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, आपके जैसे ही सारे स्वांग अर्थात नाटक मैं रचूंगी। या मुरली मुरली धर की, यह जो मुरली है किसकी, तो कृष्ण की, मुरलीधर अर्थात कृष्ण की। अधारन धरी अधरान धरूंगी, होठों पर यह रखी हुई है कृष्ण के, इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी।